चंद्रयान टू के लैंडर विक्रम को लेकर उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के वैज्ञानिकों के मुताबिक चांद की सतह पर मौजूद विक्रम सही सलामत है, उसे कोई नुकसान नहीं हुआ है, वह सतह पर एक तरफ झुका हुआ पड़ा है। चंद्रयान टू के ऑर्बिटर ने विक्रम लैंडर का पता तो लगा लिया है, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि लैंडर से संपर्क करने के सारे संभव प्रयास किए जा रहे हैं। चांद की सतह से महज 2.1 किलोमीटर दूर रहने के दौरान लापता विक्रम को इसरो ने पहले ही दिन में खोज निकाला था। विक्रम को सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करनी थी, मगर उसे हार्ड लैंडिंग का शिकार होना पड़ा। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में लगे कैमरे ने जो तस्वीरें भेजी हैं, उससे यह पता चला है कि विक्रम की हार्ड लैंडिंग हुई थी। हालांकि इससे विक्रम में कोई टूट फूट नहीं हुई है, मतलब विक्रम के जीवन में फिर से वसंत आ सकता है, उसकी संभावनाएं खारिज नहीं की जा सकती हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि वो इसे आसानी से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि संपर्क कब तक हो पाएगा, इसकी स्थिति अभी तक साफ नहीं हो पाई है। एक और वैज्ञानिक ने बताया कि अगर विक्रम का एंटीना ग्राउंड स्टेशन या फिर ऑर्बिटर की ओर होगा तो उससे संपर्क की उम्मीद बढ़ सकती है। मिशन से जुड़े एक वैज्ञानिक ने बताया कि विक्रम का ऊर्जा का खपत करना कोई मुद्दा नहीं है, उसे ये ऊर्जा सौर पैनलों से मिल सकती है जो उसके चारों ओर हैं, और अपनी अंदरूनी बैटरियों से भी उसे यह ऊर्जा हासिल हो सकती है। उन्होंने बताया कि इसरो की एक टीम इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क पर विक्रम के संचार कायम करने का काम दिन रात किया जा रहा है। इसरो के एक अधिकारी ने बताया कि चांद से आसमान में चक्कर काट रहे चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर एजेंसी के लिए संकट मोचक जैसा है। ऑर्बिटर में इतना ईंधन है कि वो निर्बाध गति से अपने काम को 7 साल तक बखूबी अंजाम देता रहेगा। वैज्ञानिक अब ऑर्बिटर के पहले से तय 1 साल के कार्यकाल को बढ़ाकर 7 साल तक करने जा रहे हैं, जिससे मिशन के बाकी उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। यह चंद्रमा के वजूद और उसके विकास के बारे में हमारी समझ को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। ऑर्बिटर पर लगा हुआ हाई रेजोल्यूशन वाला कैमरा किसी भी चंद्र मिशन में लगने वाले कैमरे से सबसे बड़ा कैमरा है। इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने विक्रम की सलामती की जानकारी मिलने पर कहा कि विक्रम से दोबारा संपर्क साधे जाने के अब भी 70% चांसेस हैं। वहीं वैज्ञानिक और डीआरडीओ के पूर्व संयुक्त निदेशक वीएन झा ने कहा कि किसी भी दिन विक्रम से इसरो केंद्र का संपर्क जुड़ सकता है। चंद्रयान 2 का विक्रम लैंडर ही इकलौता यान नहीं है जिसका संपर्क टूटा है। अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में पहले भी ऐसा हो चुका है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक यान जिससे संपर्क टूट गया था, उसके बारे में 12 साल बाद जानकारी मिली थी। इसरो के वैज्ञानिकों ने सिर्फ 35 घंटे में ही लैंडर को खोज निकाला है, जबकि ईएसए के वैज्ञानिक अपने लैंडर को खोज ही नहीं पाए थे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने मंगल ग्रह के लिए 2 जून 2003 को एक लैंडर लॉन्च किया था। इसका नाम था बीगल 2 पॉइंट। पूरे मिशन का नाम था मार्स एक्सप्रेस मिशन। जून में लॉन्च किए गए इस लैंडर को 6 महीने बाद यानी 19 दिसंबर 2003 को मंगल पर पहुंचना था। यान पहुंचा भी, लेकिन उसी दिन यूरोपियन स्पेस एजेंसी से संपर्क टूट गया। करीब 2.5 महीनों तक बीगल 2 पॉइंट से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उसने पृथ्वी से भेजी गई किसी भी संदेश का जवाब नहीं दिया। आखिर में फरवरी 2004 में इस मिशन को नाकाम घोषित कर दिया गया। मगर भारत के वैज्ञानिकों ने विक्रम को सिर्फ 35 घंटे में खोज निकाला है, मतलब चंद्रयान 2 अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मिशन अभी बाकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर, और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।